पंकज प्रजापति स्टूडियो प्रेजेंट्स, पंकज स्टूडियो प्रेजेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पंकज प्रजापति स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज आप पंकज प्रजापति स्टूडियो के माध्यम से देखेंगे दहेज की आग, हत्यारी सासुल वीरेंद्र चैतन्य की आवाज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि दिल थाम के सुनिएगा जरा क्या कहानी है, दुख दर्द भरी गरीबी की एक कहानी है। दिल थाम के सुनिएगा जरा क्या कहानी है, दर्द भरी गरीबी की ये कहानी है। दुख दर्द भरी गरीबी की ये कहानी है। वीरेंद्र बात नई ना पुरानी है, वो सास बहू के झगड़े की लिख रहे कहानी है। मैं सास बहू के झगड़े की लिख रहे कहानी है। याद रखना लोगों, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से ये कहानी हमें जो मिली है तो इसमें बताया है कि एक मदन सिंह नाम का बहुत संजर व्यक्ति रहता था। उसकी शादी चंद्रवती नाम की लड़की के साथ में जिस समय हुई, बताया है अरे मदन सिंह है नाम, सुनो ध्यान सभी हितकारी। जकी सुंदर सगुण स्वरूप के चंद्रवती ही सुशील लड़की दुल्हन बनकर के जिस समय मदन सिंह के घर में आई है, ऐसा ही नहीं और चंद्रवती नारी, चंद्रवती नारी, चंद्रवती नारी सुंदर सुगर स्वरूप के चंद्रवती नारी। याद रखना लोगों, समय समय वो समय गुजरता रहा, भगवान की कृपा हुई। एक सुंदर लड़की आई है, एक मदन सिंह हर साई है। बड़ा खुश रहता है, लेकिन बारे भगवान दुख देना, सुख देना, सुख दे करके फिर दुख देना, ये भगवान का ही खेल है। प्रभु कितना समझ में आई है, अब होनी से पेश न जाई है। मेरे भैया, इस तरह से जब चंद्रवती के द्वारा एक राधा नाम की कन्या पैदा होती है, कुछ दिन के बाद उस चंद्रवती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब राधा नाम की लड़की धीरे धीरे कुछ बड़ी होने लगी, लेकिन मदन सिंह अपनी पत्नी के दुख में दुखी होने लगा। संघ के सखाओं ने जिस समय देखा है तो एक दिन आकर के कहने लगे, भैया तुम बड़े सुस्त नजर आ रहे हो, दुख का कारण क्या है? मदन सिंह कहने लगा, क्या बताऊं दोस्त, घर में एक लड़की है और हमारी घरवाली हमको छोड़ के सदा के लिए चली गई है।
संघ के सखाओं ने कहा है कि चिंता मत करो, और समझा करके बोले करो कुछ शरम शरम ओ नारी को सुन के मरम को तुमको कैसो भयो भयम तुम्हें मेरी कसम वीरन जा दिल मिलाओ बन तुम्हें मेरी कसम तुम्हें मेरी कसम वीरन जा दिल मिलाओ गम तुम्हें मेरी कसम समझाया है कि चिंता मत करो, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। दोस्तों की बात को समझ करके आज मदन सिंह ने अपना दूसरा विवाह किया, और जब दूसरा विवाह किया है लोगों हुआ क्या, अरे शर्मा नाम की दुल्हन रे जब आंगन में गई आई दूसरी शादी कर लाए जति को मिल सूरत देख के दिल में हर साई महाराज लहबन तू जो विभा रचाए अति सुंदर सुगर सिलोनी और अतिघाए तेरा श्यामल सूरत पे गोरी सिंगार बसंती है तेरा श्यामल सूरत पे गोरी सिंगार बसंती है सिंगार बसंती है गोरी सिंगार बसंती है तेरा श्यामल सूरत पे गोरी सिंगार बसंती है तरह से जब दूसरी शादी हुई है सर्वनाम की लड़की दुल्हन बनकर जिस समय मदन सिंह के घर आई भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ दिन के बाद में उस लड़की के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। जब नाम प्रसंस्कार करवाया है तो उस लड़के का नाम विजय रखा गया। अब विजय और राधा दोनों साथ साथ में खेला करते हैं। एक दिन की बात कि दोनों आपस में खेल रहे हैं और पता नहीं कौन सी बात हो गई जो राधा ने उस लड़के के गाल पर एक तमाचा मार दिया। तमाचा लगने पर जब उसकी मौसी ने देखा है तो आकर के कहने लगी कमीनी तूने हमारे बच्चे के गाल पर तमाचा मारा, ध्यान रख अब हम तुझे इस घर में नहीं रखूंगी। और बोली कि चल निकल अबा घने इस घर से इस घर में नहीं रख पाऊंगी क्या बोली कि चल निकल यहां से अभागिनी इस घर में नहीं रख पाऊंगी अरे बिना निकाले आंगन से अब बिना निकाले आंगन से मैं चैन तनिक नहीं पाऊंगी इतने शब्द सुने हैं तो आज अपनी मौसी के चेहरा को देखने लगी लोगों ऐसा ही नहीं। और वो भैया बोली कर तू शादी तेरी जब घी के दीपक में जलाऊंगी
अरे भेज गए ससुराल तुझे जीवन भर नहीं बुलवा। और बोली सुन रही है बाबुल तेरे को बुलावे में अरे कब हूं नाए पठाऊंगी। लकी सी भर गई बिटिया की लकी सी भर गई राधा की मैं कैसे समय बिताऊंगी। ये शब्द सुने हैं राधा ने आज दोनों हाथ जोड़कर अपनी मौसी से आग्रह करने लगी मौसी ऐसे न कहो। और तब तक मदन सिंह आ जाता है तो मदन सिंह को समझा कर कहने लगी कि इस लड़की की शादी करो इसे इस घर में नहीं रखूंगी। श्रोता बंद हो आज वो औरत का गुलाम अपनी लड़की के लिए लड़का तलाश करने जब निकला है तो गरीबी का समय था लोगों उसे कोई दरवाजे पर बैठने नहीं देता है। लाचार होकर के जब वापस आया है और अपने पिता के हाल को जब देखा तो बेटी आज अपने पिता के पास में बैठ के रोने लगी। जवाब दिया पिताजी मैं समझ रही हूं कि दुख का कारण क्या है। और रो करके वो लड़की बोली है बेटी रोबे अनि अनिभात बाबुल किस्मत बिगड़ गई है। जवाब दिया मैं समझ रही हूं बेटी रोबे अनि अनिभात बाबुल किस्मत बिगड़ गई है। मेरी किस्मत बिगड़ गई है बाबुल किस्मत बिगड़ गई है। दुखिया रोए रही अनिभात बाबुल किस्मत बिगड़ गई। सुख नहीं पाओ निज मैया को सुख नहीं पाओ मैंने निज मैया को कौन खिबैया पिता नैया को। बेटी कह रही है किनकार बाबुल किस्मत बिगड़ किस्मत बिगड़ गई है। इस तरह से आज रोते रोते अपने पिता को समझाने लगी पिताजी चिंता न करो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। आज अपने पिता को समझाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है और एकांत में बैठ करके भगवान से आग्रह करने लगी हे प्रभु हमारे पिता की मदद करो रक्षा करो। और क्या बोली राखो लाज बंसी बाले मुरली मनोहर मेरे सामरे
चाहती है भगवान से, हे प्रभु हमारे पिता की रक्षा करो। रखो लाज बंसी वाले मुरली मनोहर मेरे सांवरे, अरे रखो लाज आप गिरधारी बिज नंदन बनवारी, से वो लड़की भगवान से विनती करती है प्रभु। और उधर वही मदन सिंह अपनी कन्या के लिए लड़का देखने जब घर से बाहर चला है तो भगवान मन में भगवान को स्मरण करता हुआ जा रहा है। कैसे ए दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान प्रभु जी मेरी, मो दुखिया से दीना नाथ रे नजर क्यों लइए तेरी, बड़ा दुखी हूं मैं। ऐसा ही नहीं आए एक दिन कपिला गाय बनी में आए सिंह ने घेरी, अब कैसी दीना ना करे दशा तो हुई रही अंदर। एक बात और बताएं, ओ विपत में विपत विपत में विपत विपत में पैर कना जगाए, अरे भैया बंदा बात ना पूछे ना दे दारू पी के जाए, ओ राम सुमर के याद सतवा दिया मेरे को धर दो प्रेम बड़ा अधिकत कल मेला हमार दोष मिलवार धमार, कड़कड़ में बसो करतार खबर में मेरी महली दे, ओ मेरी लैली दे खबर मेरी लैली सुकरकार खबर में मेरी लहरी दो, आज भगवान का स्मरण करके जिस समय चला है तो अपनी कन्या के लिए प्रमाण यह मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में अपनी कन्या की शादी तय की है। और शादी तय करने के बाद में जिस समय पुणे अपने घर आया उस लड़की को जब पता चला है विचार करने लगी और एक दिन का जिक्र अपने पिताजी के पास में बैठ के बोली, पिताजी
जब मेरी शादी होगी तो मुझे डुलिया में कौन बिठाएगा, क्योंकि मेरी मौसी के ये शब्द है। और इतने शब्द कह के वो लड़की रोने लगी। पिताजी क्या बोली? कैसे ससुरे जयो पिता मात मेरी सुरग सिदार है। सुरग सिदारी है से आज वो लड़की अपने पिता के पास में बैठ करके रोने लगी। और इधर में श्रोता बंधु हो, जब शादी का समय हुआ, बारात दरवाजे पर आती है, मदन सिंह ने अपनी कन्या का विवाह बड़ी खुशी के साथ में किया। और जिस समय अपनी लड़की को दुल्हन बना करके डुलिया में बिठाला है, तो आज अपना प्यार उस लड़की को देने लगा और कहने लगा है, बेटी ध्यान रखना, चाहे सुनो चितलाए न तेरी कीनी। और राधा कृष्ण की जोड़ी रे मिलायो सहारे। बहुत सुंदर है, लड़के का नाम कृष्ण था।
अब राधा कृष्ण की जोड़ी वास्तविक राधा कृष्ण के समान थी। बड़ी खुशी के साथ सुनो मेरे भ्राता, न करी सगाई के करी सगाई, ससुराल में दुल्हन बन के राधा जाई, ससुराल में दुल्हन बन के राधा जाई। जिस समय ससुराल में विदा करने के लिए तैयार हुआ है तो आज मदन सिंह अपनी कन्या को उपदेश देने लगा। बेटी क्या बोला है? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार ले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और मायके की याद कभी न आए, ससुराल में तुझको प्यार मिले। नाजुक तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह, बाहों में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरे झूलों की तरह। मेरी बाग की तू नाजुक डाली, हर पल तो नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। इस तरह से अपनी लड़की की विदा की है। जिस समय ये राधा दुल्हन बनके अपनी ससुराल में आई, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन ध्यान रखना लोगों, लालच बड़ी बुरी बला है। बताया भी है, जो राधा की सासु ने देखा कि बहू तो सुंदर है लेकिन दहेज में कुछ नहीं लाई, गजब हो गया, विचार किया, हरे ना कछु दहेज में लाई, हरे ना कुछ दहेज में लाई, फिर भी रही है कोई हमें धमकाई। हर ज्यादा तूने की बचलाई, को घर से दिए भगाई। खुले शब्दों में आज राधा की सासुओं से जवाब दिया है कि तू दहेज में कुछ लेकर के नहीं आई, इसलिए मेरे घर में तेरा रहना मुश्किल होगा। एक बात और बताएं, जो कृष्ण नाम का लड़का
राधा का जो पति था वो बैंक में नौकरी करता था, शादी के बाद में वो चला जाता है। इधर में राधा को राधा की सास बड़ी परेशान करने लगी। राधा विचार करती है कि हे प्रभु, जिस दुख से मैं दुखी थी उसी आग में फिर गिर गई, भगवान तेरी क्या कृपा है। तो एक दिन की बात है, राधा की सास ने राधा को समझाया है कि सुन, अगर तू दहेज नहीं लाएगी तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। और बोली, सास कहे झुझलाए रे, हम तो रही समझाए रे, घर में ना रख पाए तो तू दिए तुझे टकराए रे, सुने। लड़की बोली, पैर पकड़ी अकड़ के राधा, क्यों रही गुस्सा छाई है, कौन सी गलती मैया बन गई, हमें दियो ठकराई है। लगी है सुधा राधा की सास। उधर में जब कृष्ण छुट्टी लेकर अपने घर आता है, राधा को दुखी देख करके अपनी बहन धर्मवती से पूछने लगा, बहन सच बताओ राधा की गलती क्या है। तो बहन समझा कर बोली, भैया इतना छुट्टी लेके कृष्ण बैंक ते घर जब पहुंचो आई है, इतना छुट्टी लेके कृष्ण बैंक ते घर जब पहुंचो आई है, सास बहू में झगड़ा देखो दिल में गौ घबराई है। धर्मवती तब आए रे, कह रही है समझाए रे, गलती न कछु है भाभी की तुम्हें ख्यान। धर्मवती ने अपने भैया को बता दिया है, तो कृष्ण विचार करके बोला है कि मां, इसे क्यों दुखी करती हो, दहेज की तुम्हें जरूरत क्या है। लेकिन ध्यान रखना लोगों,
समझा करके छुट्टी काटने के बाद में वो कृष्ण वापस चला जाता है। लेकिन वह भागिन को चैन कहां, उसने विचार किया है कि इसको मैं जान से मार दूंगी, जिंदा नहीं रखूंगी। और लोगों ऐसा ही नहीं, एक दिन का जिक्र है कि राधा की सास ने विचार किया है कि जब ये सो जाएगी तो मैं इसे जला करके राख कर दूंगी। श्रोता बंधु, उस दिन धर्मवती ने अपनी भाभी राधा से आकर के कहा है कि भाभी तुम्हारी साड़ी मुझे बड़ी सुंदर लगती है और आज मुझे ये पहनने को दे दो। देखो भगवान की लीला बताया भी है। होनी कैसे हो जाती है ये सबके लिए बताएंगे। वीरेंद्र चैतन्य सुखपुर वाले भजनों में समझाएंगे। जो साड़ी राधा पहने थी वो साड़ी उसने अपनी नंद को दे दी। और लोगों, जिस कमरे में राधा सोया करती थी उसी कमरे में वो धर्मवती जाकर सो गई। हुआ क्या, ठीक रात के जब 12 बजे हैं और उस अभागिनी राधा की सास ने क्या किया है, आज मिट्टी का तेल लेकर के आई और बहू के धोखे अपनी लड़की के ऊपर डाल करो आग लगा दी है। लोगों, गजब हुआ, क्या दशा बनी है। सुधाने अपनी बेटी में जब आगी बेरन लगाई, बहू के धोखे लड़की को जला दिया। धमरास निकल जब आई की जन कुंती दही लगाई, आज बाहर आकर कमरे की कुंडी भी लगा दी। महाराज धर्मवत चीख पड़ी भैरा और से मैया ने अपनी तुंडी लड़ी चला। ओरे मुरली बाल श्याम तेरी लीला समझ न पाई है, ओ बंसी के बजैया श्याम तेरी महिमा जान न पाई है। वो समझ न पाई प्रभु जी समझ न पाई है, तोरे मुरली बाल श्याम तेरी लीला समझ न पाई है।
तरह से आज यशोदा ने बहू के धोखे अपनी लड़की को जला दिया। लोगों, जब धर्मवती चीखने लगी है अपनी भाभी को याद करके, बुलाने लगी, भाभी मुझे बचाओ, भाभी तुम कहाँ हो, मुझे बचाओ। और जो राधा ने ये शब्द सुने हैं, रात आदि है लोगों, जो राधा भाग करके आई, देखा है कि बुरी तरह से आग लगी हुई है। आज चीख मार करके रोने लगी, सासुर तुमने बड़ा बुरा किया। और बोली, ओ मैया तू दिल की कठोर निकली, तेरे हाथन से, तेरे हाथन से मैया तेरी बिटिया जली, तेरे हाथन से मैया तेरी लाली जली। ओ सासुर तू दिल की कठोर निकली, तेरे हाथन से, आय हाय हाथन से, तेरे हाथन से मैया तेरी लड़की जली। इस तरह से मेरे नौजवान साथियों, जिस समय यशोदा ने अपनी लड़की को जला दिया है, अब राधा ने विचार किया इस घर में मेरा गुजारा कहां। लोगों, आधी रात भादों का महीना है, विचार करने लगी मुझे क्या करना चाहिए। तो आज अपने प्राणों की रक्षा के लिए कागज कलम लेकर अपने पति के लिए एक पत्र लिखने लगी। आज कैसे लिख रही है वो चिट्ठी, आज कागज कलम हाथ में लेके तू कोई थे आसो जो लिखी समारे, अरे कन्हैया सासुल सैया सैया पैया पर तुम्हारे। लिखने लगी, और जो कछु गलती होई हमारी हम तुम्हारे गंगे माई, और मेरे धोखे में मेरी सासुन ने जन्म तुलको दियो जलाए, और ताई दुख से ओ मेरे प्रीतम तेरो देश छोड़ रंग जाए। और जब तक जिंदा रहूं स्वामी में सास को द्वार निहार ना आए, तनी लेके के आज चिट्ठी में मर दो सुन ले ध्यान लगा। और ये तनी बात लिखी चिट्ठी में पाती बंद करी और पैर लाग के अजुबाए पे भर भागों में चली दिखाए। वो रोवत झिकत दुखिया जाए रही और एक बनी में पहुंच जाए, अरे गुसैया ओ परमे
आधी रात का समय है और घर को छोड़कर के भादों का महीना है, आधी रात के समय अपने प्राणों की रक्षा के लिए घर छोड़ करके निकल जाती है। लेकिन वो पहुंची कहां, जहां उसकी उसका पति नौकरी कर रहा है, उस बैंक मैनेजर के दरवाजे पर लगी। जो बैंक मैनेजर ने देखा है तो पूछने लगा, बेटी तू कहां की रहने वाली है, तू इतनी दुखी क्यों है, दुख का इतिहास सुनाया है। तो उस बैंक मैनेजर ने नौकरानी के रूप में अपने घर रख लिया है। इधर बही कृष्ण ने जब यह सुना है कि मेरे घर में मेरी बहन की मौत हो चुकी है, मेरी बहन मर चुकी है, तो आज छुट्टी लेकर के घर जब पहुंचा, गांव वालों ने बताया और बताने पर जब अवगत हुआ है, दुखी होकर के आंगन में बैठ गया और अपनी पत्नी की याद करने लगा। विचार किया, न जाने हमारी प्राण पत्नी कहां होगी। ध्यान रखना लोगों, रोने लगा है। ओ प्राणन प्यारी नारी तू कहां गई, न कछु मोसे के गई। दिन रात आती तेरी आती है, कहां गई न कछु मुझसे कह के गई। से कृष्ण परेशान हो रहा है। छुट्टी काटने के बाद वापस फिर बैंक में आता है। एक दिन का जिक्र है, बैंक मैनेजर ने यह कहा है कि कृष्ण आज तुम मेरे घर चलो। कृष्ण जिस समय बैंक मैनेजर के घर पहुंचा है, उधर में वो लड़की भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु किस दिन मेरी पति से मुलाकात होगी। और जिस समय वो कृष्ण पहुंचा है, जो कृष्ण ने देखा, तो आज एकदम से प्रसन्न होकर पूछने लगा, श्रीमन ये तुम्हारे घर कब से आई है। और जो राधा ने अपने पति को पहचाना है, लोगों तिल बिला करके आगे आ गई। सारा भेद बैंक मैनेजर को जब पता चला है, बड़े प्रसन्न होकर के राधा कृष्ण को मिलाते हैं। अब कृष्ण कहने लगा है कि चलो राधा घर चलते हैं। राधा कहने लगी, नहीं स्वामी, मुझे वो दिन याद है, मैं यहीं रहूंगी, मैं सास को दरवाजा नहीं देखूंगी। और बोली, मत ले चलो अपने देश पिया, मैं तो भीख मांग खाए लूंगी। लड़की बोली, मत ले चलूं अपने देश बलम में भीख मांग खाए लूंगी। मत वो दिन मुझे याद है जिस आग से निकल आई हूं, स्वामी उस आग में मत डालो। और बोली,
सासु हमारी है निरमोही, बाघर में प्रभु नाहि मेरो कोई, मैं जोरू तेरे हाथ कंत मत, मत ले चल अपने देश बलम में भीख मांगी खाए लगा। चिंता मत करो, जो होगा अब मैं उसे देखूंगा। श्रोता बंधु, आज उस राधा लड़की को साथ में लेकर के फिर से वापस घर जिस समय आता है, सने सने प्रेम बढ़ने लगा। ऐसा ही नहीं, पड़ा गले में हार राधा प्यारी का, रूप है छविदार दुल्हनिया प्यारी का, पड़ा गले में हार राधा प्यारी का, है छविदार दुल्हनिया प्यारी का, आज राधा को देख करके राधा की सास प्रेम करने लगी। लेकिन ध्यान रखना लोगों, कृष्ण कहने लगा जब तुम चली गई राधा मुझे एक पल अच्छा नहीं लगा, अब पत्नी में प्रेम बढ़ा। तेरी याद हमें तड़पावे, मोय नींद तनिक नहीं आवे, तेरी याद मुझे तड़पावे, मोय नींद तनिक नहीं आवे, भक्त सेवा में दिना बितावे, मंदिर जा घर में बनावे, धर्म यही नारी का, रूप है चरदार दुल्हनिया प्यारी का, इस तरह से फिर से उसी घर में रहने लगे। इधर में राधा की सास ने विचार किया है कि इसके धोखे मेरी लड़की मेरे हाथों से मर गई, इस कमीनी को मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो एक दिन का जिक्र है लोगों, आज दूध में जहर घोल करके जिस समय लेकर के आई है, तो राधा और कृष्ण दोनों एक पलंग पर बैठे हुए थे। आज क्या हुआ है, वही दूध दोनों ने आधा आधा किया। दूध लेकर के राधा को सुधा चली, जहर उसका मिलाना गजब हो गया, जहर डाल करके वह सोदा लेकर जिस समय चली है लोगों, दूध लेकर के राधा को ये सुधा चली, जहर उसका मिलाना गजब हो गया, लीला करते हैं मोहन जला देख लो, ली
क्या करते हैं मोहन जरा देख लो, साथ दोनों को आगे किया हो गया। जैर का दूध दोनों ने आधा किया, दूध दोनों का पीना गजब हो गया। दूध लेकर के ये सुधा खुला, दूध लेकर के राधा को ये सुधा चली, जैर उसका मिलाना गजब हो गया। आज सुधा राधा को मारने के लिए दूध में जहर डाल के जिस समय चली है और जाकर के जिस समय राधा को दिया कि बहू इस दूध को पी लो, आज सासुर का प्रेम समझ करके जैसे दूध लिया तो राधा ने आधा दूध अपने पति को दे दिया। आगे क्या हुआ? अरे चेर को लेके दूध औरे दोनों ने पी लियो भाई, पति पत्नी दोनों दूध पी जाते हैं और पी के चेर वो दूध रे बेहोशी फौरन आई। महाराज कौन की भार्या ही हिनकी और रोए रोए के बेटा ने आज बात कही दिल की। प्यारी होनी है बलवान से कोई मत मानो झूठी, गोरी होनी है बलवान से कोई मत मानो झूठी। वो मत मानो झूठी होनी को मत जानो झूठी, होनी होनहार बलवान से कोई मत। इस तरह से दोनों राधा कृष्ण समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते हैं। और जब सुबह हुआ और जो यशोदा ने देखा कि मेरी बहू के साथ में मेरा बेटा भी मर गया, तो आज बहू और बेटा के गम में वो बूढ़े माता पिता भी मर जाते हैं। ध्यान रखना लोगों, दहेज का बहुत बुरा इल्जाम है, बताया भी है। कि माता पिता दोनों ने अब तीन प्राण गमाई है, हो दैज के पीछे भ्रात मेरे चार चिता जो गई जलाई है। जिस जगह चात नहीं लड़की की वहां लड़की देना ठीक नहीं, दहेज के मत वाले लोगों लड़का को बेचना ठीक नहीं। वो दहेज की कहानी मेरे भैया सुना दई अब दाई, और जो कछ गलती बन गई होए माफ सभी हो जाई। महाराज
महाराज संतोष ढोलक रहे बजाए और सुखबीर बेटा नंदरामू की सची में ताल हो लड़ाए। मेरे बिरन हमारो अशोकपुर है गां और बगेल कुल में जन्म भयो वीरेंद्र हमारो नाम। हाल कोई झूठो मत जानो अब काशगंज भाव जिला बिरन घर पटियाली थानो। हरियर भोला मेरे भाई अरे सुमिरन को भगवान कर्ण को श्री गंगे माई। हरी हर बोलो मेरे भाई अरे सुमिरन को भगवान कर्ण को श्री गंगे माई।